तो जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर आपको आधार कार्ड लेने के लिए, इसमें मैं आपको प्रोसेस बताया हूँ कि आधार कार्ड लेने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, और नया पोर्टल लॉन्च हुआ तो उसमें आपको आधार कार्ड के बारे में इसमें सारा जानकारी दिया गया है कि आधार कार्ड कैसे मिलेगा, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो और क्या क्या इसका लाभ होगा, और किस तरह से हमें यहाँ पर ये आधार कार्ड का आईडी मिलेगा, तो इसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर जैसे ही मैं लाइव भी आता था तो उसमें बहुत सारे आप लोगों को कमेंट रहता था कि आधार सेंटर कैसे लेना है, तो यहाँ पर आधार सेंटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। जैसे इसमें आप सुधार कर सकते हैं आधार सेंटर लेने से, और साथ साथ में कोई भी किसी भी तरह का अगर नया बनाते हैं आधार कार्ड तो आप आधार सेंटर से ही कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का सुधार रहता था, जैसे पिता का नाम, माता का नाम, या किसी का नाम, जैसे कि अपना नाम हो, या डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, एड्रेस हो, या पति का नाम हो, कोई भी अगर आप सुधार करवा देते हैं तो आप आधार सेंटर जाना पड़ता है। तो आधार सेंटर जाने से आपको अच्छा रहेगा कि आप जो जो व्यक्ति आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो उनका यहाँ पर प्रशिक्षण स्टार्ट हो गया है कि आपको आधार सेंटर का प्रशिक्षण लेने के बाद उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको आधार सेंटर मिलेगा। तो आधार सेंटर लेने के लिए आपको यहाँ पर प्रशिक्षण, यहाँ पर ई लर्निंग पोर्टल एक न्यू लॉन्च हुआ है जो मैं आप सभी को इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कैसे आपको डिटेल सारा प्रोवाइड होगा। तो चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके पहले शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर आ जाना है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जैसा कि आपको यहाँ पर वेबसाइट लिखा हुआ भी है elearning.uid.login/index.php.in, तो इस तरह का वेबसाइट दिया गया है। आपको एक बिल्कुल नया पोर्टल है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, 2 से 3 दिन हो रहा है लॉन्च हुए हुए, लेकिन मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं किसी परेशानी में था इसलिए मैं आप सभी को वीडियो बनाकर नहीं दे पाया, लेकिन मैं इसमें कोशिश किया हूँ कि यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आप सभी को समझा दूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके बता दूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस वाले वेबसाइट पर आने के बाद इसका लिंक मैं वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑथेंटिकेशन एंड इनरोलमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इनरोलमेंट का एक ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस शो कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर इनरोलमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करना हो, साइनअप करना हो, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट थोड़ा स्लो है क्योंकि यहाँ पर नया नया पोर्टल जब लॉन्च होता है तो उसमें थोड़ा सा वेबसाइट में थोड़ा सा समस्या होता है, क्योंकि बहुत सारे एक साथ प्लेटफॉर्म पर यूज़ करते हैं लोग, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है वेबसाइट में ओपनिंग होने में। तो थोड़ा सा वेट करके यहाँ पर वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ, ओपन करने के बाद मैं आपको पूरा डिटेल दिखाता हूँ, इतना ही सारा डिटेल फिलअप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको पहले नाम भरना है, नाम, इसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे, जैसे मेरा यहाँ पर रोशन, तो यहाँ पर रोशन डालेंगे, यहाँ पर पंडित डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम एक आपको बना लेना है, और यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट खुद से कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, जो आपका ईमेल एड्रेस है आपको एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है। यहाँ पर दोबारा से आपको ईमेल एड्रेस डाल लेना है। दोबारा से ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा और नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्या किया गया है कि यहाँ पर सिटी चूज करना है, यहाँ से आपका सिटी या टाउन। इसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट से आप होंगे। इसके बाद एजेंसी टाइप है, यहाँ पर एजेंसी, यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी एजेंसी है आपका उसका नाम लिख लेंगे, जैसे आपका कैफ है तो कैफे का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट है, यहाँ पर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं आपको डिटेल फिल करके आगे का प्रोसेस शो कर देता हूँ। मैं ऊपर से यहाँ पर डिटेल सारा फिल कर दूँगा, जैसे नाम, यहाँ पर लास्ट नेम, इसके बाद यहाँ पर यूज़र आईडी एक बना लिया हूँ, जो भी आपका यूज़र आईडी होगा आप बनाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड सेटअप कर लेना है। पासवर्ड सेटअप करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, दोबारा से ईमेल आईडी, इसके बाद यहाँ पर सिटी का नाम डालेंगे, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है इनरोलमेंट एजेंसी का ऑप्शन, यानी एजेंसी टाइप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, जैसे RO, QC एडमिन, SSUP एडमिन, और यहाँ पर इनरोलमेंट एजेंसी। तो यहाँ पर मैं इनरोलमेंट एजेंसी वाले पर रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ पर अपना नाम, कैफे का नाम, या कुछ भी लिख सकते हैं अपना, यहाँ पर जो भी आप नाम रखना चाहते हैं एजेंसी का नाम, तो यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। इसका अगर पूरे डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर पहले ये वाला आप चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रिएट वाला पर क्लिक कर चुका हूँ मैं।
तो आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ पेज इस तरह से ओपन होगा, और इस वाले पेज को क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। और कंटिन्यू करने के बाद आपको डायरेक्ट मेल पर चला जाएगा, जो मेल पर आपको कुछ कंफर्मेशन करना होगा, जो अपना मेल जो डाले होंगे उस ईमेल आईडी पर कुछ डिटेल गया होगा, तो वहाँ पर एक लिंक से आपको वहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। तो चलिए मैं आपको मेल पर ले चलता हूँ। अब तो मैंने मेल ओपन कर लिया है, और मेल ओपन करने के बाद ऑल मेल वाले सेक्शन में आएंगे, और यहाँ पर एडमिन यूजर का एक ऑप्शन आया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा ईमेल आईडी का। और ईमेल आईडी का जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको एक लिखा जाए टू कन्फर्म योर न्यू अकाउंट, तो यहाँ पर कन्फर्म करने के इस वाला जो लिंक दिया गया इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा पेज पर, जो यहाँ पर कन्फर्मेशन का आ जाएगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मेरा यहां पर कंफर्मेशन हो चुका है, मेरा नाम भी आ चुका है यहां पर, यहां लिखा गया योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंफर्म। यहां पर कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ जाओगे, जहां से आपको यहां पर सारा डिटेल दिया गया है कि आप क्या करना है। तो मैं यहां पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक किया तो मैं यहां पर डैशबोर्ड पर डायरेक्ट आ चुका हूं। आने के बाद यहां पर मेरा नाम, यहां पर सभी डिटेल यहां पर शो किया गया है, होम पेज, माय कोर्स, और यहां पर दिया गया है ऑल कोर्सेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि होम पेज पर तो आप हैं ही, तो यहां पर आपको क्या करना है, एक बार यहां कोर्सेज वाले पर क्लिक करना है। तो यहां पर चलिए मैं क्लिक कर लेता हूं। तो कोर्स पर क्लिक नहीं करके आपको डायरेक्ट पहले होम पेज पर जाना है। तो आपको पेज इस तरह से ओपन होगा, यहाँ पर आपको होम पेज पर आने पर कुछ डिटेल नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन पर आएंगे, और यहाँ पर सभी डिटेल दिया गया, आपको हिंदी में चाहिए इंस्ट्रक्शन या इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन चाहिए, या आपको चार कोर्सेस है, आपको ये कोर्स आपको पूरा करना पड़ेगा। इसको पूरा करने के लिए मैं आपको आगे का प्रोसेस जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा। तो आप जैसे ही फोर्थ वाले लिंक में आएंगे, यानी कि इनरोल एंड अपडेट वाले सेक्शन में, तो आपके इस तरह से पेज ओपन होगा, और इस वाले पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर सारा डिक्लेरेशन दिया गया है आपको क्या करना है। यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में दो, वहाँ पर चार वहाँ पर दिखाया जा रहा था, तो जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों था, तो यानी कि दो कोर्स है, दो कोर्स में आपको एक कोर्स यहाँ पर लगभग 15 घंटे का है, यहाँ पर सभी दिखाया गया है जो आपको यहाँ पर शो हो पा रहा है। जो 15 घंटा का कोर्स है, आपको कोर्स को पूरा कंप्लीट करना है, जैसे कि मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि आप कोर्स कहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 16 यूनिट, और 16 यूनिट में यहाँ पर 15 घंटा का कोर्स है, ये वाला कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए इनरोल मी पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से सभी कोर्स को कंप्लीट करेंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद आपका जो आधार कार्ड लेने का जो आपका प्रोसेस है, यानी कि आपको कंप्लीट होने का प्रयास में रहेगा, यानी कि आप जैसे आप वहां पर सर्टिफिकेट ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, आप जैसे सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लोगे तो आपको 99% आपको उम्मीद हो जाएगा कि आपका आधार सेंटर मिल जाएगा। तो यही थी अपडेट, और इसके बारे में अगर अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, अगर इसका अपडेट यानी कि जो यहाँ पर 16 घंटा का जो यूनिट है, 16 यूनिट 15 घंटा का जो है ये कोर्स अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिसके लिए आप थोड़ा सा वेट करना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि जैसे ही इसका अपडेट आएगा मैं आपको न्यू वीडियो आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस के साथ बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।